आज है 30 मार्च थर्सडे, जुमेरात का दिन। हम आज आए फिर से साइट पे। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत ये मार्बल लगा हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की पे, विंडो पे। ये पूरा अखंड है ये, और इधर की खिड़की पे भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी खूबसूरत ये डॉक्टर खान के क्लिनिक में अभी लगा है, ये जो है क्लिनिक रहेगा, इसका पीओपी का काम भी थोड़ा बाकी है। यहाँ पर जो है हिटा कर रहेगा DNH का, इसकी और जरी आगे बढ़ाई गई है। प्लम्बिंग का ये भी काम हुआ है। टाइल्स और प्लम्बिंग का जो काम है वो आज शुरू है, और अभी जो है 6 बज रहे हैं, 5:58, और इसको ये अटैच किया गया है। ये जो इसका जो पानी रहेगा शावर वगैरह लेटरिन वगैरह का जो भी है, तो एक दूसरे को ये अटैच किया गया है। जो गट्टर किया गया वहाँ से जो पूरा पाइप आया है, अब इसको जो है वो इससे अटैच करेंगे। मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन दिखाई दे रही है। सके तो मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, अभी तो मैंने सरासर बता दिया है। ये साइड जो है 1500 स्क्वायर फुट की साइट है, जहाँ सर अवेश खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा, क्योंकि सर अवेश खान इंजीनियर यहाँ मौजूद है, और डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा इसके नीचे जो रूम है डॉक्टर खान का। ये साइड जो अब्दुल्ला पैलेस के सामने ये पैराडाइस रोड, जिससे सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर है, और ये रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ यमी पंचवटी होते हुए नागपुर हाईवे को टच होता है, राइट साइड की तरफ
वल्गा रोड को टच होता है। ये वल्गा रोड 250 मीटर की दूरी पर है। ये वल्गा रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ एक 12 बजा राजा बेटा, राइट साइड की तरफ एमपी रोड वल्गा वगैरह आता है। गैबुशा अली सलाम की जो दरगाह है वहाँ से साइड के लिए दिखती है। इस साइड से भी गैबुशा अली सलाम की दरगाह भी के लिए दिखती है। बने रहे फिर हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।